आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं VVMI को पावर प्रोग्रामिंग। हम बात करेंगे VVMI को की थ्योरिकल पार्ट में, और हमारे साथ ललित जी है। और ललित जी, जैसा कि आपने बताया कि आपको पहले से VVA के बारे में नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज को आप भूल जाए, क्यों? क्योंकि मैं शुरू से बेसिक से लेके चलूंगा, जीरो से लेके चलूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता आपको पहले से कितना नॉलेज है। राइट सर, सबसे पहले हम थ्योरिकल पार्ट को समझते हैं। आज फर्स्ट डे है तो थ्योरिकल पार्ट को समझते हैं। थ्योरिकल पार्ट में समझिए कि VVA आखिर होता क्या है। VVA पर एक कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए। VVA है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। ये आपका VV6 या VV.NET जो है वो नहीं है। ओके, जिसके जरिए आप VVA स्टूडियो जो होता है, जिसके जरिए आप प्रोग्राम बनाते हैं, वो नहीं है। ये है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। ये MS Office की जो फीचर्स है उसमें एडिशनल ऑप्शंस क्रिएट करने के लिए कह सकते हैं कि काम करता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास VLOOKUP HLOOKUP फॉर्मूले हैं, लेकिन कुछ एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसके लिए इसमें कुछ है ही नहीं, तो लेंदी है। तो हम क्या करेंगे, हम VVA प्रोग्रामिंग के मदद से खुद से नया फॉर्मूला बना लें। जैसे ऊपर फीचर आप देखते हैं, नेचुरल फॉर्मेटिंग है, ऐसे फीचर्स क्रिएट कर सकते हैं। राइट सर, ठीक है, राइट सर। तो एक चीज क्लियर कर लीजिए। अब बात करते हैं कि अगर VVA एक फैक्ट्री है तो प्रोडक्ट क्या है। तो प्रोडक्ट में सबसे पहला है माइक्रोज। अब माइक्रोज क्या होता है, कुछ लोगों की कंफ्यूजन होती है कि माइक्रोज मतलब हुआ जो हम रिकॉर्ड करते हैं ना, वो माइक्रोज। जी हाँ, माइक्रोज वो भी होता है जो हम रिकॉर्ड करते हैं, और माइक्रोज भी वही होता है जो हम कोड करते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में VVA लैंग्वेज यूज किया जाता है। रिकॉर्ड माइक्रो क्या करता है कि एक टूल्स है जो आपके माउस एक्शन को, कीबोर्ड एक्शन को कोड VVA कोड में कन्वर्ट कर देता है, मतलब कि आपके बिहाफ पे माइक्रो लिख देता है। आप भी जब खुद से कोड करोगे तो माइक्रोज ही बनाओगे। तो माइक्रोज होता क्या है, माइक्रोज होता है आपका ट्रिगर, मतलब ऑटो पायलट। राइट सर, ऑटो पायलट मतलब जैसे एक प्लेन को फ्लाई करने के लिए ऑटो पायलट मोड में कर देते हैं, तो उसके अंदर दी गई सारी टर्म एंड कंडीशंस पे प्लेन को फ्लाई करता है ना। उसी तरीके से माइक्रोज की मदद से आप अपने रिपोर्ट्स को ऑटोमेटिकली क्रिएट करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे, मेरे पास एक सैलरी का डेटा है, मुझे क्या है कि वन बाय वन सैलरी क्रिएट करना है, सैलरी का पीडीएफ, सैलरी स्लिप का पीडीएफ क्रिएट करना है, और उसको एक फोल्डर में सेव करना है, फिर जिसका पीडीएफ है उसको मेल कर देना है। ओके, समझे? राइट सर। इस काम को करने के लिए मैनुअल करोगे तो इसमें दो चीजें, एक तो टाइम बहुत ज्यादा लेगा, और इसमें गलती होने के चांसेस है, कभी हो सकता है कि और पीडीएफ किसी और को मेल चला जाए। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट सर। तो हम माइक्रो प्रोग्रामिंग में उसी स्टेप को जो मैनुअल करते हैं कि सबसे पहले क्या करेगा, सैलरी स्लिप में डेटा को अपडेट करेगा, फिर उसको सेव एज करेगा पीडीएफ, फिर मेल कंपोज करेगा, फिर उसमें टू सीसी वगैरह डालेगा, मैसेज लिखेगा, पीडीएफ अटैच करेगा और सेंड कर देगा। लेकिन किसके थ्रू होगा, माइक्रोज के थ्रू। बेनिफिट क्या होगा कि आपको कोडिंग करने में एक दिन का टाइम लगेगा, तो एक दिन मेहनत करना पड़ेगा, और नेक्स्ट टाइम कभी भी यूज करना है आप एक क्लिक करेंगे और आपका काम विद इन सेकेंड, विद इन मिनट हो जाएगा। एग्जैक्टली राइट सर, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। राइट सर, ठीक है, राइट सर। अब बात आती है कि हम माइक्रोज कहाँ यूज करेंगे। माइक्रोज ही नहीं, आप VVA कहाँ यूज करेंगे। तो VVA यूज करेंगे दो सिचुएशन में, एक हमारा रिपीटेड जॉब और दूसरा लेंथी जॉब, इससे मैं थोड़ी देर में आता हूं। अब दूसरा जो प्रोडक्ट है हमारा वो है फंक्शन। तो मैक्रो समझ गए, मैक्रो क्या होता है, राइट सर, ट्रिगर है और ऑटो काइंड ऑफ ऑटो पायलट है फंक्शन। तो फंक्शन के जरिए आप नया फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, किसके लिए, एक्सेल में यूज करने के लिए जो आपकी कैलकुलेशन है उसके लिए, जैसे कि बाकी फॉर्मूला यूज करते हैं, और दूसरा माइक्रोज के लिए। माइक्रोज के क्यों करेंगे, जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ी रिपोर्ट को आप ऑटोमेट कर रहे हैं, एक कैलकुलेशन है जो कि 10 जगह पे यूज करनी है,
अब उस कैलकुलेशन के लिए आपको 5-5 लाइन का कोड लिखना है, राइट सर। तो आपको 10 जगह 5-5 लाइन कोड में 50 लाइन लिखने पड़ जाएंगे। आप फंक्शंस क्रिएट कर दीजिए और उसको कॉल कर लीजिए, ऐसे आप एक लाइन लिखना पड़ जाएगा फंक्शन के बाद। बिल्कुल करेक्ट। तो फंक्शन को हम फॉर्मूला कर सकते हैं, ये हम नॉर्मल एक्सेल के लिए यूज करते हैं और माइक्रोज के लिए भी यूज करते हैं। बिल्कुल राइट सर, क्लियर है, राइट सर, समझ गया। और तीसरा जो आता है वो आता है यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म क्या आता है? यूजर फॉर्म। अब यूजर फॉर्म क्या है? यूजर फॉर्म होता है इंटरफेस। जैसे कि आप माइक्रोज पे क्लिक किया तो पॉपअप आया ना, राइट सर, या आप पिवट पे क्लिक करते हैं तो पॉपअप आता है, पॉपअप आता है, राइट सर। इस तरह का पॉपअप बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यूजर फॉर्म, इसको इंटरफेस करते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट है, अब मान लीजिए कि आपको ये पिवट टेबल का माइक्रोज के जरिए बनाना पड़ता, पिवट टेबल का ऑप्शन नहीं है, इस फीचर को माइक्रोज के जरिए बनाना पड़ता, तो आपको कई माइक्रो बनाना पड़ जाता। बिल्कुल सर, क्योंकि सेलेक्ट विद रेंज विद न्यू शीट्स, सेलेक्ट विद रेंज विद एडिशन शीट, बिल्कुल सर, एक्सटर्नल डेटा विद न्यू शीट्स, तो अब आपको यहाँ पे कई सारे फीचर्स हो जाते हैं। राइट सर, यूज करने वाले को कंफ्यूजन होता कि क्या कर्स के लिए क्या करना है, गलत भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक इंटरफेस मिल गया जहां आप अपना ऑप्शंस डाले, ओके के ऊपर प्रोग्रामिंग की गई है जो ऊपर दी गई सारे ऑप्शंस के बिहाफ में पिवट टेबल लगा दी। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो माइक्रोज जो है हमारा, हमारा जो वीवी है, तीन प्रोडक्ट बनाता है, माइक्रोज, फंक्शंस एंड यूजर फॉर्म, राइट सर। हम बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल कब करेंगे। इसका इस्तेमाल दो सिचुएशन में होगा, एक होगा रिपीटेड जॉब, जैसे कि मैंने आपको बोला सैलरी स्लिप वाले, आपको हर महीने सैलरी स्लिप भेजना है, राइट सर, तो रिपीटेड जॉब हो गया। बिल्कुल सर। मान लीजिए आपको छोटा सा डेटा दिया गया, उसमें एक पिवट टेबल के जरिए एक आपको समरी बनानी है, एक समरी क्रिएट करना है, आपको मान लीजिए एक डेटा दिया गया है उसमें मंथली टोटल निकालना है, और डेटा आपको पहली बार आया है और इन फ्यूचर में इसका आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, छोटा सा काम है, अब उसके लिखेंगे ये तो बेवकूफी होगी ना सर, जितना बिल्कुल बिल्कुल तो माइक्रो बना लेंगे। एग्जैक्टली राइट सर। वो रिपीटेड जॉब। अब दूसरा होता है लेंथी जॉब, मतलब कि काम आपको एक ही बार आया है लेकिन करने में घंटों लग जाएगा। बिल्कुल, हमको करने में आपको घंटों लग जाएगा ऐसे काम के लिए, तो सिचुएशन क्या हुई, रिपीटेड जॉब एंड लेंथी जॉब, लेंथी जॉब, राइट सर। दूसरा है कि किसके लिए बनाएंगे। अब देखिए वीवीए अगर आप यूज करते हैं तो अगर आप किसी को फाइल भेजते हैं तो डायरेक्टली आपके वीवीए वाले माइक्रोज को एक्सेस नहीं कर सकता, तो सिस्टम में बाय डिफॉल्ट इसकी वार्निंग, सिक्योरिटी वार्निंग जो होती है वो डिसेबल विथ नोटिफिकेशन होती है, डिसेबल, तो फाइल खोलेगा उसको राइट राइट सिक्योरिटी वार्निंग दिखाएगा। अब क्या है कि मान लीजिए कि आपने एक रिपोर्ट बनाई, उसको आपने 500 लोगों को भेज दिया, आपको अब प्रॉब्लम इसमें क्या होगी, जो 500 लोग है वो सब कोई वीवी और एक्सेल से फैमिलियर तो नहीं ना होगा। बिल्कुल सर। कुछ एवरेज हो सकते, कुछ बिगिनर हो सकते, कुछ निल हो सकते। जैसे फाइल को खोलेंगे सिक्योरिटी वार्निंग दिखेगा, फटाफट फाइल क्लोज करेंगे, जैसे वायरस आ गया। बिल्कुल करेक्ट। आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप डेवलपर टैब में जाए, अब उनके पास डेवलपर टैब भी नहीं हो सकता है क्योंकि डिफॉल्ट भी नहीं होता है, तो पहले आप बोलेंगे फाइल में आपने जाए, डेवलपर टैब को लाया और सिक्योरिटी को अनेबल करें, उसके बाद फाइल आपकी चलेगी, ये तो सरदर्दी हो गई ना। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट सर। जब तक बहुत जरूरी ना हो, मतलब कि ये फीचर वीवीए के अलावा किसी और से हो ही नहीं सकता, तब तक आप माइक्रो का इस्तेमाल ऐसे केसेस में ना करें, ये मेरा सजेशन है। नहीं तो क्या सरदर्दी हो जाएगी, कॉल्स होगा, गलती होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। मैं इसको झेल चुका हूँ इसलिए मैं आपको सलाह दूँगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। दूसरा जी सर, बिल्कुल, आप अपने लिए इस्तेमाल करते हैं तो जितना मर्जी उतना इस्तेमाल कर सकते, कोई बात, बिल्कुल बिल्कुल राइट सर, समझ गया, समझ गया, बिल्कुल सर, समझ गया। अब आती है प्रायोरिटी,
अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आता है तो उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि वो प्रॉब्लम एक्सेल से ही सॉल्व हो जाए। जाहिर सी बात है कि आपके घर में लाठी है, आपके घर में तलवार है और आपके घर में बंदूक है और तोप। अब आपके बाहर एक सांप आ गया तो क्या करेगा, तोप निकाल के मारेंगे उसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। से काम हो जाएगा तो वो करेंगे, काम तो तोप से भी हो जाएगा ना। वो तो है, सांप तो तोप से भी मर जाएगा। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल हम तो चूज लाठी करेंगे ना, राइट, क्योंकि उसके लिए बना है। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। तो जाहिर सी बात है आपके पास जो प्रॉब्लम आए तो आपकी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए कि आप उसको यूज करें एक्सेल फीचर्स। एक्सेल ना आए तो एरे इस्तेमाल कर लो, जैसे लाठी से ना मारा तो बंदूक से मार दो, और एनाकोंडा आ गया तो तुम क्या सर? बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल आपको ये चूज करना होगा कि आप अपने फीचर्स के लिए क्या इस्तेमाल करें। और इस्तेमाल वीवीए कब कब करें इसके मैंने आपको बता ही दिया कि कब कब करना है। समझ में आ गया? बिल्कुल बिल्कुल समझ आ गया। रिवाइज क्लियर है ना आपको सर? हाँ क्लियर है सर। वो एक्चुअली क्या हो रहा है ना, थोड़ा सा लग रहा है डिले के साथ आ रही है, जैसे आपने बोल दिया थोड़ी देर, मतलब थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का डिले है, बाकी क्लियर है सर। सर वो क्या बोल रहा है ना कि अभी आज फर्स्ट डे है ना, तो जूम इससे पहले भी यूज किया आपने कि आज फर्स्ट टाइम डाउनलोड किया है? हाँ, तो मैं तो फ्रीक्वेंटली करते रहता हूँ सर, मेरा डेली जूम का। ओके, इंटरनेट कौन सा है आपका सर? ये हॉटस्पॉट से चला रहा था मैं, जियो वाला। इसीलिए सर, सर स्पीड बहुत अच्छा। हाँ, ये हो सकता है कि आप बारिश भी। हाँ हाँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे एंड से सही है क्योंकि मेरा तो फाइबर है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि वीवी यूज करने से, समझ में आ रहा है क्लियर है, वीवी इस्तेमाल करने से पहले या लर्निंग करने से पहले क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए? सबसे पहले आपकी मैथमेटिक कैसी है? ओके सर, सही है। देखिए मैथमेटिक्स उनकी अच्छी होती है ना सर, उनको चीज जल्दी समझ में आती है क्योंकि वो लॉजिक लगा पाते हैं। नहीं, मैंने किया है सर, मेरे पास जब मैं 12th में था मेरे पास ये C++ थी, तो मुझे फंक्शन एरे ये इन सब का अच्छा आइडिया है, तब तो दिक्कत ही नहीं है। दूसरी चीज, प्रैक्टिस के लिए टाइम होना चाहिए सर। मैं आज पहली क्लास में बता रहा हूँ आपको कि अगर आपके पास घंटे दो घंटे प्रैक्टिस के लिए नहीं है तो सीखना व्यर्थ है आपका, ठीक है? तो प्रैक्टिस के लिए टाइम होना चाहिए। बिल्कुल सर, समझ गए सर? बिल्कुल सर। क्योंकि आप कोई भी चीज सीखते हैं, मैथमेटिक ही पढ़ते हैं, अगर टीचर ने पढ़ा दिया और घर आके कॉपी बंद करके रख दिए तो क्या लग रहा है आपको, आपको आ जाएगा? जब तक कि आप उसको रिवीजन ना करो, प्रैक्टिस ना करो। बिल्कुल, पढ़ने का तरीका मैंने कुछ इस तरह से बना रखा है कि सबसे पहले तो आपने क्लास को समझो, क्लास को लो, अपने डाउट हर चीज को क्लियर करो, साथ में नोट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर नोटपैड आपके पास है तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को नोट कर लो। आप हमारी क्लासेस की वीडियोस को देखो और देखते के साथ साथ उसकी रिवीजन करो, जैसे मैंने किया है वैसे करने की कोशिश करो। छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो मुझे व्हाट्सएप और कॉल कर लो। आपको लगता है कि बड़ी प्रॉब्लम है, नोट डायरी में नोट डाउन करके अगले क्लास के लिए पूछ ले, रख ले, ताकि अगली क्लास में पूछ सकते हैं। बिल्कुल सर। रिसर्च, राइट, जैसे मैंने आपको किसी भी चीज के दो या तीन एग्जांपल दे दूंगा, देखिए आपको एक स्पॉट बनाने के लिए दो या तीन एग्जांपल काफी नहीं है। बिल्कुल सर, समझ गए? तो उसके लिए क्या करना होगा? बिल्कुल, रिसर्च करना होगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको डेटा टाइप पढ़ा दिया, तो आप क्या करेंगे, डेटा टाइप को समझ गए अपने एंड से, क्या रिवीजन भी कर लिया, आपने प्रैक्टिस भी कर ली, अब आप उस टाइप को सर्च करोगे, जैसे डेटा टाइप इन वीवीए, अब उस पे आप सर्च करोगे, अलग अलग
सोर्सेस यूट्यूब से, एक्सेल से, और कुछ नई चीज ढूंढने की कोशिश करो जो कि मैंने आपको ना बताई. राइट, ठीक है. अगर समझ में आ जा रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो उसको नोट डाउन करे और फिर अगली क्लास में मुझसे पूछे. ये इम्पोर्टेंट है सर. राइट सर, इसलिए मैंने आपको जी बिल्कुल दो घंटे का टाइम होना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. इनको रिसर्च कीजिए और कुछ नया ढूंढने की कोशिश कीजिए टीचर ने बताया उसके अलावा. बिल्कुल सर. ये हैबिट आपकी रहेगी तो जो चीज आप एक बार पढ़ लोगे लाइफ में कभी नहीं भूलोगे. राइट सर, समझे. एक कुछ टिप्स थे बिल्कुल सर जो मैंने बताया, हो सकता है आप बोर हो रहे हो तो चलिए टॉपिक चेंज करते हैं. नहीं, बिल्कुल नहीं सर जी. दूसरी चीज ये है कि आपके पास डेवलपर टैब होना चाहिए. कहाँ से लाएंगे बताया डेवलपर टैब? फाइल में जाके ये इनेबल करना पड़ता है. आपके पास अवेलेबल है या करना पड़ेगा? एक मिनट में चेक कर लेता हूँ सर. देख लीजिए फाइल में ऑप्शन में कस्टमाइज रिबन, कौन सा एक्सेल सर? मेरा 2016. तो कस्टमाइज रिबन में ये रहा डेवलपर. डेवलपर राइट सर, मिल गया. हाँ, मेरे इसमें इनेबल है सर, मैंने ऑलरेडी किया हुआ. हाँ सर. दूसरी चीज आप माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल करते हैं. इसको लाइफ में एक ही बार करना है बाय डिफॉल्ट. हाँ राइट सर, अनेबल करना. बिल्कुल बिल्कुल सर. जब भी आप कोडिंग करने जाए फाइल को सेव कर रहे, किसमें सेव करेंगे? फाइल को सेव करेंगे माइक्रो अनेबल वर्कबुक. ओके, ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक्सेल माइक्रो अनेबल वर्कबुक होना चाहिए. गलती से अगर इसको एक्सेल वर्कबुक में सिलेक्ट कर लिया तो क्या होगा पता है आपको? आपके सारे माइक्रो लॉग नहीं सर, ठीक हो जाएंगे. अरे ओके 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 ओके. क्योंकि एक्सेल वर्कबुक माइक्रो को कैरी नहीं करता. अगर आप ज्यादा माइक्रोज पे काम करते हैं तो आप एक्सेल ऑप्शन पे जाके सेव पे जाके आप अपना डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट सेट कर. ओके, समझ गए? ओके सर, समझ गए. दूसरा आता है पहले से. अच्छा सर, जैसे एक क्वेश्चन कि अगर जैसे आप एक्सेल मैक्रो वर्कबुक में सेव नहीं किया तो वो सारे मैक्रो हट जाएंगे, तो मान लो मैंने ऐसा कर दिया और बाद में कोई सर उसे रिस्टोर कर रहे? नहीं सर. ओके सर, तो लॉस्ट हो गया ना, डिलीट कर दिया ना. हाँ वही पूछ सकते हैं. राइट सर, थैंक यू. दूसरा बात करते हैं एक्सेल की प्रिपरेशन. तो मैं आपको जो है एक वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है, व्हाट्सएप पे. ये तकरीबन 5 घंटे आसपास की वीडियो है. ओके, समझे? राइट सर. ये हर जो नया सीखने वाला पर्सन होते हैं सबको मैं देता हूँ. ओके सर, तो आप क्या करें इस वीडियो को देख लें. अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा 5 घंटे वीडियो को देखना है. इसमें से आप वो टॉपिक को देखें जो टॉपिक आपको नहीं आता है, तो आप उसको स्किप कर दें, आगे फॉरवर्ड कर दें. ठीक है सर, ठीक है ना. हो सकता है कि सारी चीज आपको आती हुई तो आपको 15-20 मिनट में सब कुछ पता चल जाएगा, आप उसको हटा दें. तो ये हर किसी को मैं देता हूँ, तो ये वीडियो मैं आपको भी व्हाट्सएप कर दिया, इसको देख लीजिए. जी सर, ओके, ठीक है. उसके बाद हम अगली क्लास आपका स्टार्ट करेंगे कल से. ओके सर, ओके, ठीक है सर. क्लासेस